हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और आजादी के इस जश्न को पूरा देश पुरखुलूस माहौल में मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस आजादी के पर्व को खूबसूरत अंदाज में मनाने के लिए बेहतर से बेहतर काम किए जा रहे हैं। देश की आजादी में जान न्योछावर करने वाले वीरों को याद किया जा रहा है। गांव-गांव आजादी के जश्न को मनाया जा रहा है। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा पूर्व में ही बना ली गई थी। मुरादाबाद के कांट रोड विकास भवन स्थित कार्यालय पर मौजूद रहे मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में भी बैठक ली गई है और आज भी बैठक ली गई है, जिसमें सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस आजादी के पर्व को खूबसूरत अंदाज में मनाना है, गांव-गांव जाकर आजादी के महत्व को साझा करना है। उन वीर सपूतों को भी नमन किया जाएगा जिन्होंने अपनी जान को देकर हमें खुली हवा में सांस लेने का इनाम दिया। भारत माँ के वीर सपूत अपनी जानों की परवाह किए बिना देश के लिए कुर्बान हो गए, तो हमारा भी यही फर्ज बनता है कि हम अपने उन वीर सपूतों को याद करें और अपने देश की माटी को नमन करें। माटी मेरा देश अभियान के जो है विस्तृत निर्देश शासन के द्वारा जो है उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हम लोगों ने 2 ऐसी बैठकें इस संबंध में कर ली हैं। सभी लोगों को क्या क्या कार्य करने हैं, सबको कार्य विभाजन करके सभी को अवगत करा दिया गया है। तहसीलों पे तहसील स्तरीय कमेटी है, उसकी बैठक भी हो गई है। ब्लॉक पे ब्लॉक स्तरीय कमेटी बनाई गई है, उनकी बैठक भी कर ली गई है। इसमें 9 से 15 अगस्त तक लगातार कार्यक्रम करने हैं हम लोगों को, चाहे वो वॉल पेंटिंग हो, रंगोली प्रतियोगिताएं हो, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स हो, या विशेष भोजन एक दिन हम स्कूल्स में खिलाएं बच्चों को, इसी के संबंध में तैयारियाँ चल रही हैं। साथ साथ जो है एक शिला फलकम हर ग्राम पंचायत में हमको इंस्टॉल करना है, उसमें जो हमारे शहीद हुए उस ग्राम पंचायत के उन सभी लोगों का उसमें नाम लिखना है हमको, उसकी तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी हैं। साथ साथ हमको एक अमृत वाटिका हर ग्राम पंचायत में बनानी है, उसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसी के अतिरिक्त जो है हमको 13 से 15 अगस्त तक लास्ट ईयर की भांति हमको इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान चलाना है, उसमें हमारे जनपद को लक्ष्य अलॉट हो चुका है। उसी लक्ष्य को हम लोगों ने विभाग जो है विभिन्न विभाग हैं उनको उपलब्ध करा दिया है। साथ साथ हमने हर ब्लॉक को भी टारगेट दे दिया है कि समूह के माध्यम से इन झंडों की जो है आपूर्ति कराएँ, और हमारे 70 से 80 समूह इस कार्य में लगे हुए हैं जो हमारी झंडे को अभी निर्माण कर रहे हैं, और हम लोगों का उम्मीद है कि हम इस साल जो है बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे।